धर्मेंद्र के छोटे बेटे बॉबी देओल ने अपने जमाने में कई जबरदस्त फिल्मों में काम किया है। एक्टर ने फिल्म बरसात से बॉलीवुड में कदम रखा था। इस फिल्म को दर्शकों ने काफी अधिक पसंद किया था। इस फिल्म के लिए बॉबी को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड भी मिला था। आज हम आपको बी टाउन के लोकप्रिय अभिनेता बॉबी देओल के लाइफ से जुड़ी कुछ खास बातें बताने वाले हैं, जो शायद आप नहीं जानते होंगे। बॉबी देओल को अपने करियर में अपने पिता धर्मेंद्र की तरह लोकप्रियता हासिल नहीं हुई। फिल्म बरसात के बाद बॉबी को कुछ और फिल्मों में काम करने का मौका मिला था। हालांकि उनकी कोई भी फिल्म कुछ खास हिट नहीं हुई थी। इसके बाद बॉबी को काम मिलना बंद हो गया। बॉबी ने करीब 10 सालों तक पर्दे से दूरी बना रखी थी। आखिरकार उन्होंने साल 2016 में दिल्ली के नाइट क्लब में डीजे का काम शुरू कर दिया। इस मुश्किल के दौर में बॉबी देओल का साथ सलमान खान ने काफी ज्यादा दिया था। साल 2018 में सलमान ने बॉबी को रेस 3 का ऑफर दिया। इस फिल्म में काम करने के बाद बॉबी को फिर से इंडस्ट्री में कुछ काम मिलना शुरू हो गया। फिल्म रेस 3 के तुरंत बाद बॉबी देओल को हाउसफुल 4 का ऑफर मिला। इस फिल्म ने भी अच्छी कमाई की। इस फिल्म के बाद एक्टर ने अपना ओटीटी डेब्यू आश्रम से किया था। आश्रम सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया। इस सीरीज ने एक्टर को एक बार फिर लोकप्रिय बना दिया। हालांकि मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में बॉबी ने काम ना मिलने वाले दिनों के बारे में बात की थी। बॉबी ने कहा था कि वह काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि अब वह कभी बड़े पर्दे पर वापसी नहीं कर पाएंगे। हालांकि सलमान खान की मदद के कारण मुझे फिर से काम मिला। फिल्म एनिमल इसी साल 1 दिसंबर को थिएटर में रिलीज होने वाली है। इस फिल्म में रणबीर कपूर के साथ अनिल कपूर और बॉबी देओल भी अहम रोल में नजर आने वाले हैं। बॉबी देओल का फर्स्ट लुक पोस्टर भी रिवील कर दिया गया है। उम्मीद है कि एक्टर की यह फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आए। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। बॉलीवुड के ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।